तो आज हम लोग क्लास 11 पाठ त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.4 देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लिखा है 10x बराबर करणी 3। और हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले मुख्य हल मुख्य एवं व्यापक हल, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और व्यापक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक ना। तो ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए पहले देखेंगे हम मुख्य हल ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 10x बराबर √3 दिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर √3। √3 किसका मान होता है 10 पर, तो ये हो गया 10 पाई बाई 3 होता है, ठीक ना। 10 साष्ट का मान करणी 3 होता है, ठीक ना। और अब हम देखेंगे कि चारों चतुर्थांशों में से, देखिए 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, ठीक ना। तो 10 किस पर प्लस होता है, तो ये जैसा कि हमको मालूम है, ये ऑल, ठीक ना, साइन कॉस, सॉरी 10 और ये कॉस, ये हमने पहले बताया है। इसमें हमको देखिए, ये तीसरे चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में 10 प्लस में होता है, ठीक ना। तो तीसरे चतुर्थांश में आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पाई प्लस एक्स है ये, ठीक ना। तो हम इसको तीसरे चतुर्थांश में आने के लिए पाई प्लस एक्स करेंगे। देखिए हमको 3π/2 माइनस एक्स भी करेंगे तब भी हम तीसरे में पहुंच जाएंगे, मगर इससे क्या होगा कि हमने बताया था 90 और 270 पर फलन बदल जाते हैं, मतलब अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, 10 का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। तो हमको ऐसा नहीं, हमको हम ऐसे पर नहीं लेंगे जिस पर हमको फलन बदल जाए, इसलिए हम ये पाई लेंगे, या तो फिर 2π पर से ही हम किसी भी चतुर्थांश में पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ये हमें क्या प्राप्त हुआ कि 10 और तीसरे में जाना है, तो हम लिख सकते हैं 10π+x बराबर 10x होता है, ठीक ना। पाई और 2π पर फलन बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार अब देखिए π/3 आया है, हम यहाँ पर मान रख लेते हैं इसको, 10π+π/3 बराबर 10x ही आए, 10π/3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो गया, 3 × 3 = 4, ये हो गया 10 4π/3 बराबर ये 10π/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसको हम लिखेंगे 10x बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, 10π/3 बराबर 10 4π/3, ठीक ना। तो इसका हमको देखिए मुख्य हल क्या प्राप्त हो गया, मुख्य हल है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, तो ये लिखेंगे x बराबर π/3 और 4π/3। तो देखिए ये उत्तर आ गया। अब हम इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। देखिए मुख्य हल, देखिए बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हल आएंगे इसके, मगर हम मुख्य हल हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेकर ये 2π के बीच में जो भी मान आएगा उसी का हम लेंगे, ठीक ना, उन्हीं के मानों को ही हम यहाँ मुख्य हल में लिखेंगे, ठीक ना। 0 से π/2π 360 के बीच में जो भी कोण आएंगे, है ना, जो भी एंगल आएंगे उन्हीं को हम लिखेंगे, ठीक ना, इसके आगे के मान को नहीं लिखेंगे। अब देखिए व्यापक हल होता है कि एक ऐसा हल सोल्यूशन बता दें कि इसमें हम कुछ भी मान रखें तो हमको ये सब एंगल प्राप्त होता चला जाए। अब मुख्य हल हो गया। अब देखिए व्यापक हल के लिए, देखिए हमको मालूम है, देखिए जैसे फॉर्मूला होता है 10x बराबर 10y, ठीक ना, यदि ये आया तो हमको क्या प्राप्त होता है, x बराबर n पाई प्लस y,
ठीक ना, फॉर ऑल यन बिलोंग्स टू जेड मतलब पूर्णांक संख्या है ना, जेड मतलब पूर्णांक, तो यन कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो अब हमको देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं टेन यक्स बराबर टेन, देखिए हम पहले ये छोटा वाला ही मान लेंगे, ठीक ना। लेने के लिए आप दोनों को ले सकते हैं, मगर हम नियमतः जैसे होता है लिखते चले आ रहे हैं, तो पाई बाई थ्री, छोटे पहले छोटे एंगल को लेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पाई बाई थ्री। तो इससे हमको देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, यक्स बराबर एन पाई प्लस ये वाई हो गया है ना, वाई से है तो ये हो गया पाई बाई थ्री फॉर ऑल है ना एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, ठीक ना। तो ये हो गया, ये हो गया मुख्य हल और ये हो गया जनरल सोल्यूशन, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर हल पहला प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न नंबर दो देखेंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर दो है सेक एक्स बराबर दो, ठीक ना। तो देखिए हम पहले यहाँ पर एक कुछ सूत्र हैं वो हम लिख देते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिए यदि साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई है, ठीक ना, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सोल्यूशन है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन, ये वाई होता है, ठीक ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना। ये पहला फॉर्मूला होता है, इसी प्रकार ये दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बराबर कॉस वाई। यदि इस प्रकार हो तो हम लिखेंगे एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, है ना, कोई भी पूर्णांक संख्या एन का मान रख सकते हैं। थर्ड में लिखे हैं टेन एक्स बराबर टेन वाई, तो इससे हमको प्राप्त हो जाएगा यक्स बराबर एन पाई प्लस वाई, ठीक ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। इसके बाद चौथा में यदि साइन यक्स बराबर यदि जीरो हो, ठीक ना, तो इसका मान यक्स बराबर एन पाई प्राप्त हो जाता है। यदि पाँच में यदि कॉस एक्स बराबर अगर जीरो हो तो यक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक ना, विषम गुणज होना चाहिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको ये सूत्र है, हमको ये व्यापक हल निकालने में यही हमको देख कर इसको मान रखते हैं इस पर, ठीक ना। तो अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर करते हैं, तो इसमें देखिए हमको इसमें कहीं सेक नहीं दिख रहा है, ठीक ना, सेक नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमको कुछ मिलेगा सेक मिला है तो हम इसके व्युत्क्रम मतलब कॉस में बदल लेंगे, क्योंकि हमको कॉस में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हम सेक को लिखेंगे, तो देखिए सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा एक बटे दो, है ना, उल्टा होता है। तो कॉस एक्स का मान हमको ये प्राप्त हो गया, देखिए कॉस एक बटे दो किसका होता है, तो ये होता है ये कॉस सिक्सटी का होता है, तो कॉस सिक्सटी मतलब पाई बाई थ्री हो गया, तो कॉस पाई बाई थ्री इक्वल टू वन बाई टू होता है। अब देखिए चतुर्थांश में बात करें तो ये कहाँ कहाँ प्लस होता है, क्योंकि हमको मान प्लस में दिया है और हमको मालूम है कि चतुर्थांश में जीरो से लेकर फिर टू पाई तक है ना, जीरो पाई बाई टू पाई और थ्री पाई बाई टू, मतलब पूरे एक राउंड में अगर ये प्लस में दिया है तो दो हल प्लस में आएंगे, ठीक ना, और माइनस में है तो दो हल माइनस में ही आएंगे। तो हमको देखिए एक तो प्राप्त हो गया पाई बाई थ्री, है ना, साठ पर ये एक बटे दो होता है, और एक मान और निकलेगा, तो जैसा हमको मालूम है ये ऑल साइन टेन और ये कॉस, तो मतलब कॉस इस चौथे चतुर्थांश में ये दूसरा और ये पहला, ठीक ना, तो दो चौथे से दोनों प्लस होता है, तो यहाँ भी एक मान आएगा। तो इस चतुर्थांश से चौथे में जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थ्री पाई बाई टू से नहीं जाएंगे, ठीक ना, तो थ्री पाई बाई टू से क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर फलन बदल जाएगा, कॉस लिखे रहेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे टू पाई माइनस एक्स करेंगे, ठीक ना, टू पाई माइनस थीटा, तो हम चौथे में पहुँच जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस टू पाई माइनस एक्स, क्या मान क्या होता है कॉस एक्स, ठीक ना। ये सब मैंने पहले प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन में पूरा बता रखा है, ठीक ना। तो यदि किसी को समस्या आ रही हो तो आप प्रश्नावली इंट्रोडक्शन 3.3, ठीक ना, नॉट 3.4 का
3.3 का इंट्रोडक्शन आप जरूर देखिए, तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कौन किस में बदलता है, ठीक ना। तो ये रहा, तो ये हमने भी ये बता चुके हैं। तो ये देखिए cos 2π माइनस x का cos x होता है, ठीक ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं 2π माइनस x का मान देखिए पाई बाई 3 हमको प्राप्त हो रहा है ना, 60 पर ही हो रहा है। तो ये इस प्रकार हमको यहाँ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई 3, है ना। x का मान हमने पाई बाई 3 रखा है तो पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 × 6, 6 में एक कम हुआ तो 5π/3 बराबर cos π/3 हो गया, ठीक ना। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमको, cos x बराबर 1/2 कब आता है, तो ये आता है cos π/3 पर और cos 5π/3 पर आता है। तो इस प्रकार हमको देखिए मुख्य हल क्या प्राप्त हो गया, पाई बाय 3, x बराबर पाई बाय 3 एवं 5π/3। अब देखिए ये तो हमको मुख्य हल हो गया, अब हम इसका सामान्य हल ज्ञात करेंगे, है ना, जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए देखिए क्या होता है, अब कॉस में है तो देखिए कॉस x बराबर कॉस y, ये होता है देखिए, ये वाला हम लगाएंगे अब। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर n 2nπ प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो देखिए यहाँ लिखे हैं cos x बराबर, ठीक ना, ये सूत्र लिखे हैं हम केवल, ठीक ना। तो cos x बराबर cos, और देखिए पहले छोटा वाला ही कोण लिखेंगे, दो कोण हमको प्राप्त हुए हैं, हम छोटा वाला लिखेंगे पाई बाई 3। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे x बराबर, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस y का मान देखिए क्या आ गया, ये y के स्थान पर पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। तो इस प्रकार इसका देखिए सामान्य हल भी आ गया, ठीक ना। तो इसका व्यापक हल बोलते हैं इसको, जनरल सोल्यूशन, व्यापक हल, ठीक ना, इसी को जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए ये आ गया हमको और ये यहाँ आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में है cot x बराबर -1 माइनस कर्णित 3। तो क्या करेंगे, देखिए हमको cot में कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे इसको cot को पहले tan में बदल लेंगे, क्योंकि cot tan का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार हमको tan x क्या प्राप्त हो जाएगा, तो tan x 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/3, तो हम देखेंगे टेन कर्णित 1/3 किसके मान पर होता है, तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं -10 और ये एक कितना हो जाता है, ये π/6, है ना, 30, टेन 30 पर 1/3 होता है, तो ठीक ना। तो ये हमको देखिए हमको पता चल गया कोण क्या होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए माइनस में है, तो माइनस में देखेंगे कि किस चतुर्थांश में ये माइनस में होता है। तो देखिए ऑल यहाँ 10 होगा प्लस और यहाँ 10 प्लस होगा, यहाँ और यहाँ माइनस में होंगे, तो यहाँ पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस एक्स, तो हम दूसरे में चले जाएंगे और इस पर आने के लिए ये हो जाएगा 2π - x करेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 10π - x बराबर -10x, ठीक ना, पाई माइनस एक्स, तो यहाँ जाएंगे हम और 10x आएगा, और चूंकि दूसरे चतुर्थांश में 10 माइनस में होता है इसलिए माइनस में लिख दिया। तो इसका मतलब अगर हम मान रखें यहाँ पर पाई और x का मान क्या आया है, π/6 रख देते हैं, तो हमको यहाँ पर -10π/6 तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसका मतलब 10, 6 × 6, 6 में कम हुआ तो 5π/6 बराबर देखिए -10π/6 प्राप्त हो गया, एक इससे प्राप्त हो गया और देखिए एक हो जाएगा इस पर जाने के लिए, तो एक जानेंगे यहाँ पर 10 2π - x कर लेंगे, तो ये भी हमको -10x प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान रख लेते हैं 2π - ये π/6 रखेंगे बराबर -10π/6 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर हम हल करें तो क्या आ जाएगा, 10 6 × 12 12 में एक कम हुआ तो 11π/6 बराबर -10π/6 हो गया, ठीक ना। तो इसका मतलब ये 10x क्या आ गया,
टेन यक्स बराबर टेन, देख क्या आया पहले, फाइव पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स बराबर टेन इलेवन पाई बाय सिक्स, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए क्या प्राप्त होगा, यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, है ना, ये हो गया मुख्य हल है, तो ये हो गया फाइव पाई बाय सिक्स और इलेवन पाई बाय सिक्स, है ना, यहाँ एवं लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया हमको मुख्य हल प्राप्त हो गया, और यहीं पर हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमको फॉर्मूला मालूम है टेन यक्स बराबर टेन वाई, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर एन पाई प्लस वाई होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए टेन यक्स बराबर यहाँ रख लेते हैं, टेन यक्स बराबर टेन छोटा वाला कोण रखेंगे तो फाइव पाई बाई सिक्स लिखते हैं ऐसे, तो फॉर्मूला हो जाएगा यक्स बराबर एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारा व्यापक हल भी प्राप्त हो गया। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न तीसरा भाग हो गया, अब चौथा भाग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर चार में है कॉसेक यक्स बराबर माइनस दो, हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको साइन में बदल लेंगे, ठीक ना। तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, इसलिए माइनस दो है तो ये माइनस एक बटे दो हो जाएगा। और अब हम देखेंगे साइन एक बटे दो किस पे होता है, पहले माइनस छोड़कर पहले एक बटे दो चेक करेंगे, तो एक बटे दो होता है, ये हो जाता है साइन पाई बाई सिक्स, है ना, साइन तीस का मान एक बटे दो होता है, ठीक ना। अब देखेंगे कि साइन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो देखिए ये रहा पहला दूसरा तीसरा और चौथा चतुर्थांश, इसमें ऑल होता है मतलब सभी प्लस में होते हैं और इसमें साइन प्लस में होता है, इसका मतलब इन तीसरे और चौथे में साइन माइनस में होता है, यहाँ केवल टेन यहाँ प्लस और यहाँ कॉट सॉरी कॉस प्लस में होता है, है ना, टेन मतलब टेन और कॉट प्लस होता है, कॉस का मतलब कॉस और सेक प्लस होता है, तो मतलब साइन यहाँ पर माइनस में होता है तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, और तीसरे और चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये पाई बाय टू, ये पाई और ये थ्री पाई बाय टू, तो सबसे पहले हम इसमें तीसरे में जाने के लिए पाई प्लस एक्स करेंगे, ठीक ना, और चौथे में जाने के लिए टू पाई माइनस एक्स करेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो साइन यक्स का मान यहाँ रख देते हैं हम, यक्स कितना है पाई बाई सिक्स, तो बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए छः कम छः एक सात, ये हो गया सेवन पाई बाई सिक्स बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स हो गया। तो अब देखिए चौथे में देखेंगे तो लिखेंगे साइन टू पाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो इसमें यक्स का मान क्या है पाई बाई सिक्स, तो हम यहाँ रख दिए पाई बाई सिक्स माइनस, तो इस प्रकार हमको साइन पाई बाई सिक्स माइनस में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद हो जाएगा छः दूनी बारह, बारह में एक कम हुआ तो ग्यारह पाई बाई सिक्स बराबर माइनस साइन पाई बाई सिक्स प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखिए साइन यक्स क्या हमको मिल गया, साइन यक्स बराबर सेवन पाई बाई साइन सेवन पाई बाय सिक्स और साइन इलेवन पाई बाई सिक्स प्राप्त हुआ। तो इसका देखिए मुख्य हल क्या प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे मुख्य हल यक्स बराबर सेवन पाई बाय सिक्स एवं इलेवन पाई बाई सिक्स, ठीक ना। अब इसका व्यापक हल देखेंगे तो हमको मालूम है देखिए सूत्र क्या होता है, साइन यक्स बराबर साइन वाई, यदि इस प्रकार प्राप्त हो तो हमको फॉर्मूला मिलता है यक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन एन ये वाई, तो क्या होगा फॉर ऑल यक्स सॉरी एन बिलोंग्स टू जेड। तो इसमें फॉर्मूला मान रखेंगे, देखिए साइन यक्स बराबर साइन वाई का मान क्या, हम देखिए छोटा वाला कोण रखेंगे तो सेवन पाई बाई सिक्स,
तो रखेंगे x बराबर n पाई प्लस माइनस वन एंड ये हो जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा व्यापक हल भी प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पाँच में है cos 4x बराबर cos x। तो इसमें हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए जैसे जो हमको फॉर्मूला मालूम है cos x बराबर cos y, ठीक ना। तो इससे क्या हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये हो जाएगा n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक ना। तो इसमें हम सीधे फॉर्मूला में रख देंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4x बराबर 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस y कितना है 2x है, तो ये हमने 2x रख लिया। तो देखिए ये हो गया। अब एक बार लिखेंगे हम धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर तो एक बार प्लस ले लेते हैं। तो 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, तो ये इसको इधर पक्षांतर करेंगे 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, तो हो जाएगा 2x बराबर 2n पाई। तो दोनों तरफ x कैंसिल हो जाएगा तो n का मान n पाई आ गया, ठीक ना। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ये z, ठीक ना। तो एक मान ये आ गया। इसी प्रकार हम लिख लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, ठीक ना। माइनस वाला ले लिया, इसको जब इधर करेंगे तो देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक ना। 4x प्लस 2x बराबर 2n पाई, तो 4 2 6x बराबर 2n पाई। तो x बराबर 6 नीचे पक्षांतर कर लेंगे 2n पाई बटे 6, तो x बराबर 2 एकम 2 तिहाई 6, तो जाएगा n पाई बाई 3। तो इस प्रकार देखिए इसके हल ज्ञात हो गए। देखिए हमको इसमें प्राप्त करना था प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार देखिए व्यापक हल क्या प्राप्त हुआ। व्यापक हल तो देखिए लिख सकते हैं x बराबर n पाई, ठीक ना, या x बराबर n पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो देखिए यह हल हो गया। इसको मैंने इस प्रकार हल किया, ठीक ना। तो हमको ये आंसर प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब देखिए आप चाहे तो इसको इधर पक्षांतर करके और सूत्र लगा कर भी हल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको एक और तरीके से भी करके बता देता हूँ, दूसरा मेथड से। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे। देखिए cos x माइनस cos y, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। तो देखिए ये सूत्र होता है, ये हम सूत्र लगा लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन, ये हो जाएगा 4x प्लस 2x बटे 2 और cos 4x माइनस 2x बटे 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x साइन 4 2 6, 6 का आधा 3x cos 4 में से 2 गया 2, 2 का कटेगा तो x बराबर ये 0। तो इस प्रकार देखिए दो अगर टर्म गुणे में हो तो इसका मतलब होता है कि ये पद 0 होगा या तो ये पद 0 होगा या तो दोनों पद 0 होंगे, ठीक ना। जैसे यदि a क्रॉस b बराबर 0 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो a बराबर 0 होगा, यदि आप यहाँ 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुणा किसी में करेंगे 0 हो जाएगा, या
बी बराबर जीरो होगा, जीरो रखेंगे तो ए गुणे जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, या ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, ये दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहां लिख लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस टू साइन थ्री एक्स बराबर जीरो या कॉस एक्स बराबर जीरो, यही बात हुआ। देखिए ये जीरो जाएगा माइनस टू, अगर पक्षांतर भी करेंगे तो जगह साइन थ्री एक्स ही हो जाएगा, साइन थ्री एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। और देखिए कॉस साइन जीरो, साइन एक्स बराबर जीरो, कॉस एक्स बराबर जीरो का फॉर्मूला हमने मालूम है कि देखिए क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए साइन एक्स बराबर जीरो और कॉस एक्स बराबर जीरो का क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स बराबर एन पाई होता है और एक्स बराबर टू एन प्लस वन, ये पाई बाई टू होता है, ठीक ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना। तो देखिए हम यही मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा थ्री एक्स बराबर एन पाई, ठीक ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एन पाई बाई थ्री, तो देखिए एक मान आ गया। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो जाएगा एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई ये टू हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें हमने, हमारा पहले भी इसका आंसर आया हुआ था एन पाई बाई थ्री, ठीक ना। तो अब देखिए चाहे आप इसमें मान रखिए एन का मान फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, अगर आप एन का मान यहाँ भी रखिए, चाहे जैसे पहले क्वेश्चन में पहले मेथड से जो मैंने बताया था उसका भी किसी मेथड से रखें, एन का वैल्यू जब आप रखेंगे तो इसका वैल्यू वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर एन बराबर जीरो भी रखेंगे तो ये पाई बाई टू प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका ये दोनों व्यापक हल इस प्रकार भी ज्ञात होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर पाँच हल हो गया, अब प्रश्न नंबर छः देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर छः है, तो इसमें देखिए कॉस में यह तीन पद में दिया है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इसमें हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का सूत्र रख लेते हैं। तो देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का क्या होता है सूत्र, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इसी पर हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 2 cos 3x प्लस एक्स बटे दो कॉस 3x माइनस एक्स बटे दो माइनस cos 2x बराबर जीरो। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा इसके आगे, माइनस 2 cos तीन और एक चार, चार का आधा 2x cos तीन में से एक गया दो, दो का आधा तो ये एक्स प्राप्त हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स बराबर जीरो। अब देखिए कॉस टू एक्स कॉमन है तो हम निकाल लेते हैं इसको, कॉस टू एक्स बराबर हो जाएगा, ये देखिए कॉमन निकाल लिया तो यार टू कॉस एक्स, तो इसमें हमने कॉस टू एक्स कॉमन ले लिया तो टू कॉस एक्स माइनस वन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस टू एक्स बराबर जीरो, ठीक ना, या टू कॉस एक्स माइनस एक बराबर जीरो, ठीक ना, या तो ये या तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कॉस एक्स बराबर जीरो अगर फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस एक्स बराबर जीरो तो हो जाएगा एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई ये टू होता है, ठीक ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो हम यहाँ पे रख लेंगे, देखिए इसके लिए तो बन जाएगा, तो जगह टू एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक ना, फॉर ऑल, यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, है ना, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। दो को नीचे पक्षांतर कर देंगे तो ये जगह एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई फोर, ठीक ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना, ये हो गया। अब इसके लिए देखेंगे तो देखिए हो जाएगा टू कॉस एक्स बराबर एक और कॉस एक्स बराबर एक बटे दो, तो कॉस एक्स देखिए एक बटे दो किस पर होता है, तो कॉस पाई बाई थ्री पर होता है,
मतलब 60 पर होता है, ठीक ना। तो इससे हमको देखिए कॉस एक्स कॉस वाई अगर लिखा हो तो देखिए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई अगर लिखा हो तो एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार देखिए ये आ गया व्यापक हल, ये हो गया और ये प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये और ये, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है, साइन 2x प्लस कॉस x बराबर 0। तो इसको हम बदल लेंगे, देखिए साइन 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x बराबर 0, ठीक ना, इसका सूत्र ही होता है ये। अब देखिए हमको कॉस x कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इससे हमको मिल जाएगा कॉस एक्स बराबर 0 या 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए कॉस एक्स बराबर 0 का सूत्र होता है एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक ना। तो ये हो गया, अब इसको हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा साइन x बराबर, ये इधर पक्षांतर तो माइनस 1, ये जाएगा तो माइनस 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब ये माइनस है तो साइन किस चतुर्थांश में माइनस होता है, देखिए यहाँ और यहाँ प्लस होता है, यहाँ और यहाँ माइनस होता है, ठीक ना। और हमको इसमें व्यापक हल ज्ञात करना है, हमको मुख्य हल ज्ञात नहीं करना। तो हम इसमें क्या करेंगे, बस छोटा वाला कोण ज्ञात कर लेंगे एक, बाकी इसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका हम लिख सकते हैं -sin π/6, है ना, साइन 30 पर 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे साइन एक्स बराबर साइन, देखिए ये हम किस में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, तो लिखेंगे पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये होता है। अब हम इसमें मान रख देते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार हमको देखिए क्या मिला, 6 कम 6 1 7, 7 पाई बाई 6 बराबर माइनस साइन, यहाँ पाई बाई 3 6 लिख देंगे, अब पाई बाई 6। तो इस प्रकार देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, साइन एक्स बराबर साइन 7π/6। तो साइन एक्स बराबर साइन वाई, देखिए क्या सूत्र होता है, तो यहाँ ही लिख देते हैं, देखिए साइन एक्स बराबर साइन वाई, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं या फिर यहाँ मान रख देंगे, साइन एक्स बराबर साइन वाई का क्या सूत्र होता है, तो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 के घात n y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो हम यहाँ रख देंगे तो लिखेंगे x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के घात n और y है 7π/6। तो देखिए व्यापक हल आ गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो देखिए इस प्रकार ये और ये हमको व्यापक हल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है, sec² 2x = 1 - tan 2x। तो अब हम इसमें देखिए क्या लगाएंगे, चूंकि हमको एक देखिए एक सर्वसमिका पता है 1 + tan²x = sec²x होता है, ठीक ना। तो x है तो यहाँ x है, यहाँ 2x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ये क्या बन जाएगा, अगर मैं लिखूँ sec²2x अगर मैं लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 + tan²2x लिख सकता हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार हम sec²2x को हम लिख सकते हैं 1 + tan²2x = 1 - tan²2x लिख सकते हैं, ठीक ना। दोनों पक्षों में एक एक है, हट गया। अब इसको एक तरफ बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा tan 2
टेन स्क्वायर टू एक्स प्लस टेन टू एक्स बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा टेन टू एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो इससे हो जाएगा टेन टू एक्स बराबर जीरो या टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो देखिए टेन टू एक्स बराबर जीरो क्या होता है, इसका कोई सूत्र नहीं हमें मालूम, हम इसको साइन और कॉस में बदल लेंगे। तो होता है साइन बटे कॉस होता है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो जीरो के संग गुणा तो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको मिलेगा साइन टू एक्स बराबर ये जीरो प्राप्त होगा। अब साइन एक्स बराबर जीरो पर देखिए क्या सूत्र होता है, यही लिख देते हैं। देखिए साइन एक्स बराबर जीरो तो जगह एक्स बराबर एन पाई होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं टू एक्स बराबर एन पाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा एन पाई बाई टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना। और इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा टेन टू एक्स बराबर माइनस एक, ठीक ना। फिर टेन टू एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर बार बार या लिखने की जरूरत नहीं, या करके एक लाइन खींचती है, मतलब ये या तो ये वाला। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस वन किस पर होता है, लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाई फोर पर होता है ये, ठीक ना। तो पाई बाई फोर, अब देखिए इस पर पाई बाई फोर किस चतुर्थांश में होता है, देखिए टेन किस पर होता है, इस ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, हमको माइनस में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हमको इस चतुर्थांश में और इसमें माइनस में होता है टेन, हम केवल एक कोण लेंगे क्योंकि हमको व्यापक मान हल ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं टेन, देखिए टेन पाई माइनस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स होता है। तो हम यहाँ पर एक्स का मान पाई बाई फोर रख देते हैं, ठीक ना। तो जाएगा माइनस टेन पाई बाई फोर। तो इस प्रकार हमको टेन क्या प्राप्त हो गया, चार एकम चार ये थ्री पाई बाई फोर आया बराबर माइनस टेन पाई बाई फोर। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं टेन एक्स बराबर टेन पाई थ्री पाई बाई फोर। तो टेन एक्स, इसका देखिए क्या सूत्र होता है, हमने पहले भी लिखा है इसको, टेन एक्स बराबर टेन वाई अगर हो तो एक्स का मान क्या होता है, एन पाई प्लस वाई प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक्स बराबर एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा इससे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। देखिए इसके बाद हमको टेन एक्स बराबर टेन थ्री पाई बाई फोर लिखे हैं, देखिए टेन एक्स के स्थान पर हमको यहाँ टेन टू एक्स लिखना होगा, ठीक ना, क्योंकि टेन टू एक्स का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर टू एक्स लिखेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर हमको टू एक्स प्राप्त होगा। तो जब एक्स का मान ज्ञात करना होगा तो हम एक्स का मान एक्स बराबर एन पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई एट लिखेंगे, है ना, दो पक्षांतर कर देंगे, तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस प्रकार इसके हल प्राप्त हो गए, ठीक ना। तो ये एक हल प्राप्त हुआ, एक हल ये प्राप्त हुआ, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर आठ हल हो गया। अब प्रश्न नंबर नौ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर नौ है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, ठीक ना। तो देखिए इसमें अगर हम एक्स और फाइव एक्स को ले लें तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आधा करेंगे तो पाँच और छः छः का आधा तीन ये प्राप्त हो जा रहा है हमको। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस जीरो। अब यहाँ पर हम साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र लिख देंगे। तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो कॉस एक्स माइनस वाई बटे ये दो होता है, ठीक ना, ये दो हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं, देखिए तो जाएगा टू साइन एक्स प्लस फाइव एक्स बटे दो कॉस
यक्स माइनस फाइव यक्स बटे दो प्लस साइन थ्री एक्स बराबर जीरो। तो इससे जगह टू साइन पाँच और छः, छः का आधा तीन यक्स, और कॉस इसमें माइनस चार तो ये माइनस टू यक्स आ जाएगा, है ना। एक में से पाँच गया चार, चार का आधा दो प्लस साइन थ्री एक्स बराबर जीरो। तो देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बराबर जीरो। तो देखिए साइन थ्री एक्स बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स बाहर, तो बचेगा टू कॉस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो इससे हो जाएगा देखिए साइन थ्री एक्स बराबर जीरो या टू कॉस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। देखिए इससे क्या हो जाएगा, अगर ये साइन एक्स बराबर जीरो है तो जगह थ्री एक्स बराबर एन पाई या एक्स बराबर एन पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमको पहले प्राप्त हो गया, और इसमें अगर ज्ञात करेंगे तो देखिए हो जाएगा कॉस टू एक्स बराबर माइनस एक बटे दो, माइनस इधर है ना प्लस वन तो माइनस ये दो नीचे, तो जाएगा कॉस टू एक्स बराबर माइनस, देखिए कॉस किस पर होता है, माइनस पर होता है, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री, है ना, कॉस साठ पर होता है ये, है ना, कॉस साठ पर मान एक बटे दो होता है। अब देखिए ये किस चतुर्थांश में होता है माइनस, तो माइनस देखिए इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। हमको केवल मुख्य हल नहीं ज्ञात करना, केवल व्यापक हल ज्ञात करना, तो हम केवल एक कोण ज्ञात कर लेंगे और इसमें मान रख देंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ये होता है कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक ना। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री बराबर माइनस कॉस पाई बाई थ्री प्राप्त हो जाएगा, तीन एक कम तीन, तीन में कम हुआ तो टू पाई बाई थ्री प्राप्त हो गया बराबर माइनस कॉस पाई बाई थ्री होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस टू एक्स बराबर कॉस टू पाई बाई थ्री। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई लिखा हो तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे टू एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री। तो दो पक्षांतर करेंगे तो देखिए दो दो सबसे निकल जाएगा, तो यक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो देखिए एक सूत्र ये आया, ठीक ना, एक यहाँ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर नौ हल हो गया। अब देखिए प्रश्नावली समाप्त हो गई, अब हम विविध प्रश्नावली करेंगे।